गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वन सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज पेज नंबर 52, 53 एंड 54 स्टडी करेंगे। पेज नंबर 52, राइट द नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द नंबर, इसको यहाँ 84 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 8 tens and 4 ones। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 ones। नेक्स्ट है 63 = 6 tens and 6 ones। 35, तो 3 tens and 5 ones। 44, 4 tens and 4 ones। तो इस तरह से हमको ये एक्सरसाइज हमको कंप्लीट करना है। राइट इन एक्सपेंड नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, कैसे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं आप इसको स्टडी करोगे। नेक्स्ट पेज नंबर 53, राइट द न्यूमेरल इन द प्लेस होल्डर शो बाय एबेकस। यहाँ पे एबेकस पे जो बीट्स बने हुए हैं आपको उसको काउंट करके वंस और टेंस के स्थान पे लिखना है। तो आप पहले यहाँ पे इस एबेकस में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ वंस के स्थान पे 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब टेंस पे काउंट करेंगे 1, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे टेंस के स्थान पे, तो कितना हुआ 26। उसी तरह से नेक्स्ट है 1, 2, 3, वंस के स्थान पे 3। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे टेंस के स्थान पे 9 है तो ये हुआ 93। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे एक बैकस बने हुए हैं, आपको उनको काउंट करना है और बुक में फिल करना है। नेक्स्ट है राइट ईच न्यूमेरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी उसको विस्तृत रूप में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ नंबर दिया हुआ है, उसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तृत रूप में लिखना है। तो यहाँ 64 दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिखें, 64 यानी 6 tens plus 4 ones = 60 plus 4 91 9 tens plus 1 ones = 90 plus 1। इस तरह से हमको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है पेज नंबर 52 का, 53 का। नेक्स्ट पेज नंबर 54, नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट 62 = 6 tens plus 2 ones, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है हम लोग 62 को 6 tens plus 2 ones लिखते हैं। वैसे ही हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म्स वी राइट 6 tens plus 2 ones = 62, यानी इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 6 tens plus 2 ones को 62 लिखते हैं। सम अदर नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म नंबर दिए गए हैं, आप इसको स्टडी करोगे कैसे लिखा हुआ है, कैसे इसको समझोगे। इसके बाद राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, ये एक्सरसाइज जो है इसमें से एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म यानी यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, हमको उसको शॉर्ट फॉर्म में फिल करना है। 5 tens plus 8 ones, 5 tens और 8 ones क्या हुआ 58। 9 tens plus 3 ones 93। 5 tens plus 5 ones यानी 55। 4 tens plus 7 ones 47। इस तरह से हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को, पेज नंबर 54। नेक्स्ट अगले क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास वन में पेज नंबर 28 and 29 सब्जेक्ट हिंदी में हम एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दो वर्ण वाले शब्द पढ़ रहे हैं। दो वर्ण वाले शब्द खेत, ख पर एक ही मात्रा त खेत, र पर एक ही मात्रा त रेत, म पर एक ही मात्रा ज मेज, ख पर एक ही मात्रा ल खेल, ज पर एक ही मात्रा ल जेल, ब पर एक ही मात्रा र बेर, द पर एक ही मात्रा र देर, द पर एक ही मात्रा व देव, द पर एक ही मात्रा र में आ की मात्रा घेरा, प पर एक ही मात्रा ख में आ की मात्रा पेखा, म पर एक ही मात्रा न में आ की मात्रा मेला आदि जाने। नीचे आते हैं तीन वर्ण वाले शब्द, न पर ए की मात्रा व ल में आ की मात्रा नेवला, स ब पर ए की मात्रा र में आ की मात्रा सवेरा, स दंते स
प पर ए की मात्रा, र में आ की मात्रा सपेरा, प पर ए की मात्रा व ट केवट, द पर ए की मात्रा व त में आ की मात्रा देवता, च पर ए की मात्रा ह, र में आ की मात्रा चेहरा, ब पर ए की मात्रा स न बेसन, स ह पर ए की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा सहेली आदि। चार वर्ण वाले शब्द, र पर ए की मात्रा ल रेल, ग में आ की मात्रा, ड में बड़ी की मात्रा रेलगाड़ी, म पर ए की मात्रा ह, म में आ की मात्रा न मेहमान, म न पर ए की मात्रा, र में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा मलेरिया, द पर ए की मात्रा व, द में आ की मात्रा र देवदार, च में आ की मात्रा ऊपर चंद्र, क ल पर ए की मात्रा ट चॉकलेट, थ में आ की मात्रा, न पर ए की मात्रा, द में आ की मात्रा र थानेदार आदि। नीचे चलते हैं अभ्यास। क जोड़ ए की मात्रा बराबर, यहाँ हम अपने मन से शब्द बनाएंगे केला, र जोड़ ए की मात्रा बराबर रेल, स जोड़ ए की मात्रा बराबर सेब, म जोड़ ए की मात्रा बराबर में, ल में आ की मात्रा हो गया मेला, र जोड़ ए की मात्रा बराबर रेत, ख जोड़ ए की मात्रा बराबर खेत। अब समाप्त होता है अगले। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, दिस इज इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड चैप्टर सिक्स इज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, पहले वर्ड्स के बारे में आप समझोगे। व्हाट आर वर्ड्स? वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। कुछ लेटर्स को जब हम मिला देते हैं और उसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है तो उसको वर्ड्स कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया वर्ड्स क्या होता है, अब नेमिंग वर्ड्स, जो किसी का नेमिंग मतलब किसी का नाम रखे, किसी का नाम, जैसे पर्सन का, पीपल का नाम, एनिमल का नाम, वस्तुओं का नाम, किसी का भी जो हम नाम कहते हैं या उसको बुलाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाम रखने के काम आते हैं या उसके नाम को बुलाया जाता है या उसको कहा जाता है, उसका कुछ नाम होता है तो उसको कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। और नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स भी कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा, नेमिंग वर्ड्स यानी जो नाम रखने के काम आते हैं वो नाउन्स कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ पीपल, लोगों के नाम। तो लोगों के नाम तो वैसे बहुत होते हैं, जो प्रॉपर नाउन में आएंगे वो आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। जैसे हमारे तुम्हारे नाम होते हैं रोहित, राधा, ये सब जो नाम है वो प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों के नाम में हम यहाँ पे पर्सन के नाम लिखेंगे जो कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, जैसे एक्टर, डॉक्टर, टीचर, कॉबलर, ये सब जो वर्ड्स हैं आपके, ये सब किसी को इंडिकेट करते हैं, किसी को बताते हैं। जैसे एक्टर है, एक्टर आपको एक्टिंग करने वाला, डॉक्टर है जो आपको ट्रीटमेंट देता है, टीचर जो आपको टीच करता है, कॉबलर जो शूज़ को मेंट करता है या रिपेयर करता है। तो इन सब को भी हम क्या कहेंगे, ये नाउन कहेंगे, ये सब नाउन है आपके। फिर जानवरों के नाम, नेम ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम जैसे डॉग, काऊ, माउस, फिश, इसके बाद और बहुत से आपके नाम हैं जो आप लोग जानते होंगे। तो एनिमल्स के नाम, जो भी हम एनिमल्स को कहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो भी नाउन्स कहलाते हैं। इसके बाद नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी थिंग्स, वस्तुएं, वस्तुओं के नाम, जैसे यहाँ टेबल रखा है, कुर्सी रखा है, चेयर, बुक, पेन, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं हैं, निर्जीव हैं, तो इन सब को भी हम नाउन्स में डालेंगे। तो इस तरह से नाउन्स में इंसानों के नाम आ जाएंगे, पर्सन के नाम आ जाएंगे, या जो वर्क करते हैं उसके आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब नाम आ जाएंगे। फिर जानवरों के नाम आ जाएंगे और उसके बाद वस्तुओं के नाम। आगे चल के आप लोग ये भी पढ़ोगे फीलिंग के नाम, जैसे लव, एंगर, ये सब होते हैं। फिर मटेरियल्स के नाम, जैसे गोल्ड, राइस, ये सब भी वस्तुओं के, कुछ चीज़ों के नाम है ना, तो ये सब नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, नाउन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, इस एक्सरसाइज को आप बनाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज है, यहाँ देखिए, द ये एक्सरसाइज इसमें नाउन भरना है, द लिटिल डैश लिव्स इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपको भरना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉग,
द मॉम इज इन द, यहाँ किचन होगा, मॉम कहाँ होगी, तो किचन में. द बिग हैन लेज द बिग एग. माई यंगर ब्रदर सिट्स ऑन ए मैट, मैट पे बैठा है. दे जंप ऑन द रॉक एंड क्राई, वे चट्टान पे कूदे और चिल्लाने लगे. तो इस तरह से ये नाउन्स को फिलअप करना है. यहाँ पे नाउन को अंडरलाइन करना है. यहाँ देखिए आपका सेंटेंस है, देयर इज अ लिटिल रैबिट इन द गार्डन. तो रैबिट जो जानवर का नाम है, गार्डन जो है जगह का नाम है. प्लेस के नाम को भी नाउन कहते हैं. तो ये प्लेस का नाम है, गार्डन एक नाम है, फिर रैबिट भी एक नाम है, तो ये सब क्या कहलाएगा, नाउन. फिर यहाँ हु इज़ योर टीचर, टीचर भी नाउन कहलाएगा. यहाँ पे है बनाना, तो बनाना भी नाउन है, कानून नाउन है. यहाँ पे डॉल भी एक नाउन है, एक वस्तु का नाम है डॉल. यहाँ पे स्टोरेज एक नाउन है. फिर यहाँ पे फादर नाउन है, डॉक्टर नाउन है, चाइल्ड नाउन है, टॉय. तो इसको अंडरलाइन करना है, जो भी नाउन होगा उसको अंडरलाइन करना है. यहाँ पे पर्सन के लिए क्या यूज हो रहा है, उसको उसको नाउन को सर्कल करना है. यहाँ पे मॉम ग्रोज अ वेजिटेबल गार्डन, तो यहाँ पे नाउन आपका मॉम भी है और गार्डन भी है. तो यहाँ पे मॉम को ही हम सर्कल करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पर्सन का नाम, यानी व्यक्ति का नाम. तो मॉम व्यक्ति का नाम है, गार्डन जो है वो प्लेस का नाम है. तो हम मॉम को सर्कल करेंगे. यहाँ पे आप देखेंगे डैड पिक्स द वेजिटेबल्स. यहाँ पे डैड जो है पर्सन का नाम है, तो डैड को हम सर्कल करेंगे. यहाँ पे माई ब्रदर्स, इसको सर्कल करेंगे. यहाँ पे सॉरी माई को नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रदर्स को करेंगे. यहाँ पे सिस्टर, सिर्फ सिस्टर को करेंगे और आंट को करेंगे. तो ये सब नाम है जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं. और ये जो वेजिटेबल पी टोमेटो, ये सब भी नाम है, लेकिन इनको हम सर्कल नहीं करेंगे. ये सिस्टर, ये आंट, इसको हम सर्कल करेंगे. यहाँ पे उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये वस्तुओं के नाम को, थिंग्स के नाम को अंडरलाइन करना है और प्लेस के नाम को सर्कल करना है. तो प्लेस का नाम यहाँ पे, थिंग्स का नाम है प्लांट्स, और फॉरेस्ट जो है वो जगह का नाम है. तो फॉरेस्ट को हम सर्कल करेंगे और प्लांट्स को अंडरलाइन करेंगे. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में ट्रीज जो है वो वस्तुएं हो गई, थिंग्स हो गए, और माउंटेन जो है वो आपका प्लेस हो गया, जगह हो गया. तो इसी तरह आप अंडरलाइन और सर्कल करोगे. इसके बाद मैच करना है, तो ये तो बहुत ईजी है, जो मैच करना बच्चों को पसंद भी है. तो स्कूल, स्कूल से क्या होगा आपका टीचिंग, ये भी नाउन है. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है, लेटर्स पोस्ट होता है. पुलिसमैन अरेस्टिंग का काम करते हैं. कुक क्या काम करते हैं, फूड बनाते हैं. प्लम्बर क्या करता है, पाइप्स के साथ रिपेयर करता है. सिंगर क्या करता है, सॉन्ग गीत गाता है. डॉक्टर ट्रीटमेंट इलाज करते हैं. सोल्जर जो है फाइटिंग करते हैं. तो ये सब नाउन के साथ इस नाउन को मैच करना है, और इस तरह से आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो रहा है.